मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं बेबी कुमारी जी। बेबी जी बखरी विधानसभा से उम्मीदवारी अपना मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से। ये एक अच्छी समाज सेवी है बखरी के लिए। विधानसभा में इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो कि जनता याद करेगी। इन्हें मुखिया रहते हुए इनके ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जो जनता आज भी इन्हें याद करती है। इस कोरोना काल में हो या हर सुख दुख में हो, इनका साथ जनता के साथ हमेशा रहता है। तो आइए हम बात करते हैं बेबी जी से, इन्होंने समाज सेवा में अपना कदम क्यों और कब रखा। सर, मैं 2010 में मैं एक समाज सेवी के रूप में उभरी और 2011 त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मैं कूदी और मुझे अपार बहुमत से सफलता हासिल हुई। और उसके बाद मुझे लगा कि एक पार्टी का एजेंडा जो मुझे अपनी ओर आकृष्ट करता हो, मैं उसे ज्वाइन करूं और उसके एजेंडे को आगे ले जाऊं। क्योंकि पंचायती स्तर पर जब मैंने काम किया तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे और मैं अकेली ही अपने काम को क्रियान्वित रूप देती हूं। कहा जाता है कि मुखिया पति अपने काम को करते हैं, लेकिन मैं इस जुमले को झूठा साबित करते हुए अकेले अपने काम को पूरा करती थी और करती रही। यही एक मूल वजह बनती है कि समाज से ऊपर उठकर, महिला वर्ग से ऊपर उठकर मैं आई और अपने लोगों, अपने समाज के बीच चहेती बन गई। मुखिया काल में आपके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? जी, हमारे समय में प्लांटेशन की सुविधा ज़्यादा थी। 52 यूनिट मैंने प्लांटेशन कराया। 3,200 स्क्वायर फुट मैंने PCC ढलाई कराया और सोलिंग कराया। पंचायत भवन का निर्माण, मनरेगा भवन निर्माण इत्यादि, जन धन की जितनी भी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, सुकन्या योजना, ये सारी योजनाओं को मैंने क्रियान्वित किया और अपने आम जनता के, आम आवाम के अंतिम पड़ाव तक पहुँचाया। कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया? मार्च 21 से जब इस चीज़ का ऐलान हुआ कि हमारे देश में कोरोना का आगमन हो गया है और हम एक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, ये एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ और हमारी जनसंख्या, हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या 2,34,00,000 की आबादी है, जिसमें 1,13,000 की आबादी महिलाओं की है और सवर्ण वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, बहुसंख्यक आबादी है। इस बीच में मैंने बखरी विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम करवाया, मास्क वितरण करवाया, भोजन का प्रबंध कराया, कच्चा भोजन हो, और अपने पंचायत स्तर पर मैंने पक्का भोजन का भी बंदोबस्त कराया। और विशेष तौर पर जब युवा प्रदेश से आकर के अपने क्षेत्र से आकर बिहार के सबसे ज़्यादा मजदूर अलग अलग राज्यों में जा कर के काम करते हैं, उसमें आए तो उनके लिए मैंने व्यवस्था करवाई, उनके गंतव्य स्थान तक थाना से मिल करके और गाड़ी की व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने में मैंने मदद कराई। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप बखरी विधानसभा के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? बखरी विधानसभा का मैंने डीपली नॉलेज लिया है, क्षेत्रीय सामाजिक स्थिति दोनों मेरे जहन में बसी हुई है। उस क्षेत्र में मैं पिछले 6 महीना से, इस विधानसभा चुनाव का आगाज नहीं हुआ था उसके पहले से ही मैं काम कर रही हूँ और मुझे वहाँ की स्थानीय ज़रूरतें, समाज के संरचना के हिसाब से उनकी मांग, उनके लोगों की इच्छाएँ मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और महिला सशक्तिकरण पर मेरा विशेष जोर है क्योंकि 1952 के बाद से एक बार भी महिला कैंडिडेट वहाँ से नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी का टिकट अगर मुझे मिलता है तो मैं वो सीट बिल्कुल लूज नहीं होने दूंगी और अपार बहुमत से इस पार्टी को मैं जीत दिलाऊंगी। ये मेरा मेरा प्रण है और मैं इस पर खड़ा उतरने का। पांच ऐसे मुद्दे जिनके लिए आप काम करेंगे। सबसे पहला, मैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहूँगी। वहाँ डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। पास के ही दरभंगा कॉलेज में मेडिकल कॉलेज, एम्स कॉलेज की स्थापना हो गई और बेगूसराय जिला में बखरी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है। लड़कियाँ या लड़के हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं अर्थ के अभाव में या किसी प्रकार का अभाव। ये पहला प्राथमिकता है। द्वितीय प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण पर है मेरा। उन्हें लघु रोजगार के लिए
प्रेरित कर इस पर मैं महिला मोर्चा के प्लेटफॉर्म पर काम भी कर रही हूँ और मैं विशेष तौर पर चाहती हूँ कि उन्हें केंद्र की योजनाओं से, राज्य की योजनाओं से जोड़ करके उन्हें विशेष लाभ दूँ। तीसरा मेरा मेन एजेंडा है वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना, क्योंकि प्रदेश से और बेगूसराय जिला से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, आपातकालीन सुविधाओं का अभाव है और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहाँ का रोड का जो सिस्टम है वो साल दर साल कमज़ोर हो जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं उस पर चलती हैं लेकिन बाढ़ प्रभावित होने की वजह से रोड क्षतिग्रस्त हो जाता है और सक्सेस नहीं हो पाता। इस कारण मेरा मानना है कि पीसी जो मतलब स्वास्थ्य केंद्र है उसका सुदृढ़ीकरण हो और इस पर पूरा काम होना चाहिए। युवाओं के लिए मेरा मेन एजेंडा रहेगा कि उन्हें हर प्रकार के रोजगार मुहैया कराने में हम मददगार साबित हों, लघु रोजगार हो या छोटा मोटा कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करके या किसी भी तरह के छोटे मोटे रोजगार दिलाकर मैं उन्हें आगे प्रेरित करूं और उन्हें एक मुख्य धारा से जोड़ सकूं। अभी आप भाजपा में किन किन पदों पर? मैं अभी अपने क्षेत्र में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, बखरी विधानसभा गढ़पुरा प्रखंड में मंडल उपाध्यक्ष के पद मेन में और महिला मोर्चा जिला स्तरीय महिला मोर्चा में मैं मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। अगर पार्टी मौका देगी बकरी विधानसभा का कायाकल्प कर लेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महिला सुरक्षा पर काम करेंगे और बकरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत कर देंगे और एनडीए के हाथों को मजबूत करूंगी, ये मेरा वादा है।